प्रधानमंत्री मोदी ने बना दिया ये खतरनाक कानून। ट्रेन हो या बस, अब इनको तोड़ने से पहले 100 बार सोचेंगे दंगाई। देश की संपत्ति को छूने से पहले कांप जाएंगे दंगाई। मोदी का बहुत बड़ा जबरदस्त प्लान, मोदी सरकार ने दी खुली छूट। कानून को मजाक समझने वालों का कानून ही करेगा इलाज। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में आंदोलन और विरोध प्रदर्शन समय समय पर होते रहते हैं, और इन विरोध प्रदर्शन के दौरान भारत की लाइफलाइन ट्रेनों को नुकसान पहुंचाना भी कोई नई बात नहीं है। इस देश ने वो समय भी देखा है जब मोदी सरकार की तरफ से लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ इस कदर विरोध प्रदर्शन किया गया कि ट्रेन ही फूंक दी गई थी। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार गुजरात की धरती से ट्रेन फूंकने वालों को कुछ ज्ञान देने का एक ऐसा प्लान बनाया है जिससे अगली बार जब ये उपद्रवी ट्रेन फूंकने जाएंगे तो 100 बार सोचेंगे, और इनको मालूम भी चल जाएगा कि जब देश में मजबूत सरकार होती है तो उसके क्या मायने होते हैं और फिर कानून अपना काम कैसे करता है। क्या कुछ कहा मोदी जी ने, चलिए बताते हैं आपको। बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक हमारे साथ। दरअसल कुछ समय पहले मोदी सरकार की तरफ से सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लाई गई थी, जिसके तहत 4 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट की बात कही गई थी। बस इसी बात से कुछ युवा इस कदर भड़क गए थे कि देश के तमाम हिस्सों में ना सिर्फ जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ बल्कि कई ट्रेनों में भी आग लगा दी गई, जिससे रेलवे को भारी नुकसान हुआ। इस तरह से ट्रेन को नुकसान पहुंचाने वाले एक बार भी नहीं सोचते हैं कि जिस तरह से बाइक, गाड़ी, ट्रक, ट्रैक्टर आपकी संपत्ति है, उसी तरह से ट्रेन जैसी सार्वजनिक संपत्ति भी आपकी ही है जिसमें आपका पैसा लगा है। लेकिन इसके बावजूद लाखों करोड़ों की ट्रेनों में तोड़फोड़ मचाई जाती है जिसे हमारे देश के लोग बहुत मेहनत से बनाते हैं, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी जब कुछ ही दिनों पहले अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर गए थे तो उन्होंने मेट्रो के उद्घाटन के दौरान ऐसा सुझाव दिया था जिससे ट्रेनों में तोड़फोड़ को अंजाम देने से पहले दंगाई 100 बार सोचेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में अहमदाबाद मेट्रो फेज 1 का उद्घाटन किया था। इसी खास मौके पर मोदी जी ने सुझाव दिया था कि छात्रों को इन मेट्रो स्टेशनों पर लाया जाना चाहिए और उन्हें ये बताया जाना चाहिए कि मेट्रो कैसे बनी, इसमें कितना पैसा लगा है। इस तरह से हम ये शिक्षा देते रहेंगे कि इस काम में किस तरह की तकनीक लगी है तो ये बच्चों के विकास में भी काम आएगा, और फिर से बच्चे खुद ही समझ जाएंगे कि तोड़फोड़ से किसी और का नहीं बल्कि उनका खुद का नुकसान है, और अपना नुकसान तो कौन ही करना चाहेगा। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह से बड़े ही सहज तरीके से देश के युवाओं को बहुत बड़ी सीख दी है। अब आपकी क्या राय है प्रधानमंत्री के इस कदम पर, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो को शेयर करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।